पूछिए अपनी भांजी से, आज इसकी वजह से अगर हम सबको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ये दादी के प्यार ने ना इसका दिमाग खराब कर दिया है। क्या जरूरत थी हीरो बनने की? अरे इसे कोई बताए ये लड़की है लड़की बन के रहे, हम सबकी जान दांव पे लगाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है उन सबके पास बंदूकें थी, अगर वो गोली चलाते थे तो क्या होता? हरिया ये सब क्या है? तुम्हारी मुमानी और उमेर ठीक कह रहे हैं भाई, जो डाकू किसी की फिक्र नहीं करते। अकलमंदी ये होती है कि इंसान के पास जो कुछ है उन्हें देख के जान छोड़ाए। तुम्हें उनसे उलझना नहीं चाहिए था। अरे रहने दे आसिम, इसे किसी का एहसास हो तब ना, इसे अगर परवाह है तो सिर्फ अपनी। मुमानी जान मैं तो सिर्फ बस अपनी गलती का एहसास तो तुम्हें होना नहीं है, ना तुमने माननी है, उल्टा तुम शर्मिंदा होने के बजाय मुझे से बहस कर रही हो। अरे मैं आज आप सबको बता रहा हूँ, एक ना एक दिन इस लड़की की वजह से इस घर में बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। पता है मुझे तो अब तक डर लग रहा है, उन सबके पास बंदूकें थी, अगर वो गोली चला देते तो क्या होता? मार दी उन्होंने गोली, मर गए तुम। नामुराद तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे मुंह में हाथ। तुमने हादिया पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया, उसने सबकी जान बचाई। तारीफ करने के बजाय तुमने, अम्मा आप तो अपनी लाडली की तरफदारी करना छोड़ दे। तुम उसके साथ हर वक्त ज्यादती करती रहो और मैं खामोश रहूं? छोड़े मजी, जाने दे, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ये बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं की जब ये हादिया के पीछे पड़ी हुई थी? अपनी बीवी को समझाने के बजाय मुझे समझा रहे हो, अपनी माँ को? दादी के प्यार ने तो इसका दिमाग ही खराब कर दिया है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।